प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो के राज दर्शन में व्यक्तिवाद, निरंकुशतावाद, समाजवाद और लोकतंत्र के तत्व मौजूद हैं। अर्थात वास्तविक रूप में जब हम जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं या इसके संपूर्ण राज दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इनकी विचारधारा के अंतर्गत व्यक्तिवादी विचारधारा के तत्व भी मौजूद हैं, निरंकुशतावाद के तत्व भी मौजूद हैं, समाजवाद के तत्व भी मौजूद हैं और लोकतंत्र के तत्व भी मौजूद हैं। अर्थात जीन जैक्स रूसो के राज दर्शन में इन चारों ही विचारधाराओं का समन्वय सम्मिश्रण किया गया है। इन चारों ही विचारधाराओं के किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में तत्व मौजूद है, तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि यह बात केवल जीन जैक्स रूसो पर लागू नहीं होती है। हमने इससे पहले जब आपको टॉमस हॉब्स समझाया था, उसमें ही बताया था कि टॉमस हॉब्स के विचारों के अंतर्गत भी व्यक्तिवाद और निरंकुशतावाद के तत्व मौजूद हैं। और जब हमने प्लेटो आपको समझाया था, तो प्लेटो के राजदर्शन के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में आधुनिक समय की सारी विचारधाराएं किसी न किसी रूप में बीज रूप में मौजूद हैं। तो यही बात जीन जैक्स रूसो के ऊपर भी लागू होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जीन जैक्स रूसो के द्वारा जो अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया है, सामाजिक समझौता किसके बीच में हो रहा है, मैं आज पुनः दोहरा रहा हूँ, यहाँ जो सामाजिक समझौता होता है वह निजी व्यक्तियों का सामूहिक व्यक्तित्व के साथ या सामूहिक व्यक्तियों के साथ में समझौता होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि ए नामक व्यक्ति, बे नामक व्यक्ति, से नामक व्यक्ति, दे नामक व्यक्ति, ये इसका निजी स्वरूप होगा। अब इसके बाद में ए, बे, से, दे, ये इसका सामूहिक स्वरूप हो गया। अब इसके साथ में जो समझौता हो रहा है, इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है और ये राज्य ही क्या कहलाता है भाई, सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी के आधार पर हम यहाँ ये जो चारों विचारधारा है इसके अंतर्गत किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। तो अब चलिए हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, व्यक्तिवाद की। तो ये बात तो क्लियर होगी क्या कि ए नामक व्यक्ति, बे नामक व्यक्ति, से नामक व्यक्ति, दे नामक व्यक्ति, ये निजी स्वरूप में है, 1, 2, 3, 4 नामक व्यक्ति हो गए। अब ये ही व्यक्ति अपने मतलब जो है समाज को सामूहिक रूप में, जो उनका सामूहिक रूप है उसको अपने संपूर्ण अधिकार समर्पित कर रहे हैं। इसका मतलब निजी व्यक्तियों का सामूहिक व्यक्तित्व के साथ समझौता हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है और ये जो राज्य है वही क्या कहला रहा है, सामान्य इच्छा कहला रहा है। तो ध्यान दें, इसके आधार पर ही हम ये चारों विचारधाराएं समझेंगे कि जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौते के अंतर्गत और उसकी सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अंतर्गत ये चारों विचारधाराएं मौजूद है बीज रूप में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं पुनः कह रहा हूं, इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य यह है कि जीन जैक्स रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है और इसी के साथ में इन्होंने अलग से जो अपना सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है, इन दोनों ही सिद्धांतों को जब हम ठीक से समझते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि इन सिद्धांतों के अंतर्गत या रूसो के समग्र राजदर्शन के अंतर्गत व्यक्तिवाद, निरंकुशतावाद, समाजवाद और लोकतंत्र के तत्व मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाद की, कि जीन जैक्स रूसो के राजदर्शन में व्यक्तिवाद के तत्व भी बीज रूप में मौजूद हैं। कैसे, सबसे पहले तो देखिएगा कि व्यक्तिवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु क्या होता है। व्यक्तिवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान रखेंगे क्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात यहाँ पर वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। यहां तक माना जाता है कि वास्तविक रूप में जो राज्य या समाज की रचना की जाती है, निर्माण किया जाता है,
वो व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य समाज के लिए, ये व्यक्तिवादी विचारधारा कहती है। अब यहाँ क्या जीन-जैक्स रूसो के विचारों में ये बातें मौजूद है? यस, जीन-जैक्स रूसो के विचारों में कुछ बातें मौजूद है, जैसे विशेषकर स्वतंत्रता की बात की जाए, जैसे व्यक्तिवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु क्या है भाई, इसका केंद्र बिंदु क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता है, क्या है, स्वतंत्रता। तो यहां जीन-जैक्स रूसो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता मनुष्य का स्वाभाविक सद्गुण मानते हैं। जैसे स्वयं जीन-जैक्स रूसो ने कहा है, क्या कहा है नोट कीजिएगा, मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है लेकिन सर्वत्र वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। इसका मतलब ये इसका स्वाभाविक सद्गुण है स्वतंत्रता। तो यहां जीन-जैक्स रूसो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वाभाविक सद्गुण मान रहे हैं, यह व्यक्तिवाद का ही तत्व है। अब ध्यान दें, यहां इसको आप बिंदु रूप में समझ सकते हैं, नोट कीजिएगा। पहला बिंदु क्या मानेंगे हम कि स्वतंत्रता और समानता को मनुष्य का स्वाभाविक सद्गुण माना है, नोट कीजिएगा, किसने, जीन-जैक्स रूसो ने। तो वास्तविक रूप में जो स्वतंत्रता है जिसको कि स्वाभाविक गुण माना जा रहा है, जैसा कि जीन-जैक्स रूसो ने भी कहा है, तो ये भाई व्यक्तिवाद का ही तो तत्व है। इसलिए हम कहेंगे कि किसने किस रूप में, बीज रूप में जीन-जैक्स रूसो के राज दर्शन में व्यक्तिवाद के तत्व मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या है कि स्वतंत्रता को जॉन लॉक से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। ठीक है, जॉन लॉक भी स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि उन्होंने भी व्यक्तिवादी विचारधारा को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है, जिसे कि उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, और उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लेकिन यहां जीन-जैक्स रूसो ने जॉन लॉक से भी ज्यादा स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना है। कैसे माना है, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दूंगा। देखो, जब जीन-जैक्स रूसो प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं और उसके बारे में कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र रूप में प्रकृति की गोद में आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता था, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, वह पूर्ण रूप में स्वतंत्र था, उसके ऊपर किसी रूप में किसी नियमों का कोई बंधन नहीं था, आनंद से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इसके बाद में फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता है, संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है, क्या कह रहा हूं मैं, सभ्यता का विकास होता है, संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है, इसी के साथ में विज्ञान का विकास होता है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, जीन-जैक्स रूसो का कहना है कि व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। क्यों, प्राकृतिक अवस्था में इसको स्वार्थ और परमार्थ का ज्ञान नहीं है, स्वार्थ और परमार्थ आपस में नहीं टकरा रहे हैं, मगर सभ्यता का विकास होता है तो स्वार्थ और परमार्थ आपस में टकरा देते हैं। ऐसी स्थिति में जीन-जैक्स रूसो कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर परतंत्र हो जाता है। जैसे स्वयं जीन-जैक्स रूसो कह रहे हैं कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। अब सभ्यता का विकास होने के बाद में, संपत्ति की उत्पत्ति होने के बाद में व्यक्ति परतंत्र हो जाता है। अब जीन-जैक्स रूसो इस परतंत्रता को दूर करना चाहते हैं, इस गुलामी को दूर करना चाहते हैं। अब ये किसके माध्यम से होगा, ये होगा सामाजिक समझौते के माध्यम से, अर्थात जीन-जैक्स रूसो फिर अपना सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना होती है, यही सामान्य इच्छा कहलाती है। अर्थात यह वास्तविक रूप में जो समझौता हो रहा है, इस समझौते से परतंत्रता को दूर किया जाएगा और वापस स्वतंत्रता प्राप्त की जाएगी। कैसे, उस प्राकृतिक स्वतंत्रता का समापन हो जाएगा लेकिन नागरिक स्वतंत्रता पुनः प्राप्त हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि जीन-जैक्स रूसो ने बराबर किसी ने किस रूप में स्वतंत्रता को जॉन लॉक से भी ज्यादा महत्व दिया है। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि जीन-जैक्स रूसो के विचारों में व्यक्तिवाद के तत्व मौजूद है। अब एक कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर एक वेपर नाम के विद्वान है, क्या कह रहे हैं कि वह अर्थात रूसो वह अति व्यक्तिवादी है। कौन, जीन-जैक्स रूसो, वह अति व्यक्तिवादी है, समस्त व्यक्तिवादियों में आधुनिक और महानतम व्यक्तिवादी है। कौन करें, जीन-जैक्स रूसो, पुनः दोहरा रहा हूं, क्या करें, वेपर क्या है इसके बारे में कि वह अति व्यक्तिवादी है, समस्त व्यक्तिवादियों में आधुनिक और महानतम व्यक्तिवादी है। किसके बारे में कहा जा रहा है, जीन-जैक्स रूसो के बारे में। कहने वाले कौन है,
वेपर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये तो हो गए जिनजैक्स रूसो के राज दर्शन में व्यक्तिवादी तत्व, इसका मतलब कहा जा सकता है कि इनके दर्शन में व्यक्तिवादी तत्व मौजूद है। अब दूसरी बात करते हैं, क्या कि क्या इनके राजदर्शन में निरंकुशवादी मौजूद है? यस, कैसे? अब देखें, यहां ये जो समझौता हो रहा है निजी व्यक्तियों का, निजी व्यक्तित्व का सामूहिक व्यक्तित्व के साथ समझौता हो रहा है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना होती है और ये राज्य क्या है? सामान्य इच्छा है। अब निरंकुश कैसे होगा? यहां ध्यान दें, अब जो ये सामान्य इच्छा है वास्तविक रूप में यही सभी कानूनों का स्रोत है, और सामान्य इच्छा क्या है इसका निर्धारण करने का अधिकार शासक को होगा, और यदि इसके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है ऐसी स्थिति में जनता को बाध्य भी किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जिनजैक्स रूसो के राजदर्शन में निरंकुशवाद मौजूद है। अब इसको भी हम चाहे तो बिंदुओं के आधार पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, पहला क्या लिखेंगे कि संप्रभुता सामान्य इच्छा की कार्यान्विति है। मैंने आपको पहले समझा दिया है, देखो यहाँ वास्तविक रूप में जो संप्रभुता है वो क्या? सामान्य इच्छा की कार्यान्विति है, क्रियान्विति है, संचालन। कैसे? क्यों? क्योंकि सामान्य इच्छा ही तो भाई संप्रभुता है, और सामान्य इच्छा ही तो सभी कानूनों का स्रोत है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य इच्छा क्या है इसका निर्धारण स्वयं संप्रभु करेगा, शासक करेगा। अतः ये कहा जा सकता है कि ये निरंकुशतावाद का लक्षण या तत्व है। अगली बात क्या है कि सामान्य इच्छा पर दैवी और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं है। ध्यान दें, देखो वास्तविक रूप में जो ये संप्रभु है, मतलब सामान्य इच्छा का प्रयोग जिसके द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि सामान्य इच्छा पर, इसके ऊपर मतलब राज्य सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा पर दैवीय और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं है, ये इनसे पूर्ण रूप में स्वतंत्र है। अतः यह जो लक्षण है वह भी निरंकुशतावाद का लक्षण ही है कि जो संप्रभु होता है वह पूर्ण रूप में स्वतंत्र हो, उसके ऊपर किसी का भी प्रतिबंध ना हो, तो वह निरंकुश शासन का ही लक्षण है। तो वास्तविक रूप में यहाँ सामान्य इच्छा के ऊपर भी इनका कोई प्रतिबंध नहीं है, तो यह निरंकुशता का ही लक्षण या तत्व है। और इसके साथ में तीसरी बात क्या लिखेंगे कि सामान्य इच्छा में ध्यान देंगे, क्या सामान्य इच्छा जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, सामान्य इच्छा में सर्वोच्चता, ये सबसे सर्वोच्च होगी, सर्वोच्च है, इसके आदेशों का पालन किया जाएगा, मतलब सभी कानूनों का स्रोत सामान्य इच्छा है, तो क्या होगा ये सर्वोच्च है। अखंडता, इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता, इसी के साथ में निरंकुशता भी है, ये निरंकुश भी है, क्यों? क्योंकि इसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा, पालन नहीं करेंगे तो बाध्य किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में एक निरंकुशता के जो लक्षण होते हैं वो सब लक्षण सामान्य इच्छा में मौजूद है, इसलिए कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा में सर्वोच्चता, अखंडता, निरंकुशता के लक्षण मौजूद है। तो ये कह सकते हैं कि जिनजैक्स रूसो के राज दर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व मौजूद है, और वो किसमें है? इसके सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि सामान्य इच्छा, बार बार करो, सामान्य इच्छा सभी कानूनों का स्रोत है, और कौन सी इच्छा सामान्य इच्छा है इसका निर्धारण स्वयं शासक ही करेगा। ऐसी स्थिति में यह इच्छा क्या होगी? सर्वोच्च, अखंड और निरंकुश होगी। तो यह भी इसका तत्व है, इसका निरंकुशवाद का। चौथी बात करते हैं कि समझौते में समस्त शक्तियों का समर्पण। अब ध्यान दें, वही यहां समझौता हो रहा है, ए नामक व्यक्ति, बे नामक व्यक्ति, स नामक व्यक्ति, द नामक व्यक्ति, किसके साथ समझौता कर रहे हैं? इसके सामूहिक स्वरूप के साथ, मतलब स्वयं, वैसे देखा जाए तो स्वयं जनता ही अपने आप में व्यक्ति है, और स्वयं जनता ही अपने आप में शासक है, मतलब प्रजा और शासक ये दोनों है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये व्यक्तिगत रूप में इस सामूहिक स्वरूप को सारी शक्तियां समर्पित कर रहे हैं, संपूर्ण रूप में अपने पास कुछ भी सुरक्षित नहीं रख रहे हैं।
अब इस आधार पर ये कहा जा सकता है क्या कि समझौते में समस्त शक्तियों का समर्पण किया गया है, अपने पास कुछ भी शेष नहीं रखा गया है। तो कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसा कि टॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के अंतर्गत हमने देखा कि वास्तविक रूप में वहां पर व्यक्तियों ने अपने पास कुछ नहीं रखा, हालांकि वहां ये बात सत्य है कि आत्म संरक्षण का अधिकार अपने पास रखा गया है, परंतु फिर भी ये कहा जा सकता है कि वहां पर भी सारी शक्तियां सुपुर्द की जा रही है, किसको? लेविथन को, राज्य को, संप्रभु को। तो यहां पर भी समझौते में समस्त शक्तियों का समर्पण किया जा रहा है, अपने पास कुछ विशेष नहीं रखा जा रहा है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह तत्व भी किसका है? निरंकुशतावाद का लक्षण या तत्व है। इसलिए कहा जा सकता है कि जिंजस रूसो के राज दर्शन में निरंकुशतावाद के तत्व मौजूद है। पांचवी बात करते हैं हम, क्या कि समाज एक सावयव, क्या समाज एक सावयव, व्यक्ति उसके अभिन्न अंग है। अब ध्यान दें, जीजस रूसो वास्तविक रूप में समाज को एक सावयव मान रहे हैं, जीव प्राणी के समान मान रहे हैं, और इस सावयव के जो सावयव होता है जीव प्राणी उसके अंग होते हैं। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि समाज एक सावयव है और व्यक्ति उसके अभिन्न अंग है, अंग बना दिए हैं। किसको? व्यक्ति को समाज का, राज्य का अंग बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में इस अंग का प्रयोग सावयव समाज राज्य के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार किया जाएगा। तो जो ये लक्षण है, जो ये तत्व है जिसमें कि व्यक्ति को एक अंग बना दिया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में यह तत्व या जो लक्षण है वह भी निरंकुशवाद का ही लक्षण या तत्व है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को केवल एक पार्ट बना दिया गया, एक अंग बना दिया गया है। कैसे? क्योंकि यहाँ समाज को समग्र माना जा रहा है, शरीर माना जा रहा है, जबकि व्यक्ति को उसका अंग बना दिया गया है। मतलब जैसे हमारा ये शरीर व्यवस्था है, तो इस शरीर व्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा, ये अंग है हाथ पैर, तो व्यक्तियों को हाथ पैर के समान बनाया गया है। अब इनका प्रयोग हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही स्थिति होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें निरंकुशवाद के तत्व भी मौजूद है। अगला तीसरी बात क्या आएगी भाई, इसमें समाजवाद ही मौजूद है। ध्यान दें भाई, समाजवाद का केंद्र बिंदु क्या होता है, किसको महत्व दिया जाता है? व्यक्ति का, समाज को। समाज को हमने यहाँ केंद्र बिंदु व्यक्तिवाद का किसको माना था? स्वतंत्रता को। निरंकुशवाद का केंद्र बिंदु क्या है? संप्रभुता। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में एक शासक के द्वारा जिस सत्ता का प्रयोग किया जाएगा वह पूर्ण रूप में निरंकुश होगा, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये निरंकुशवाद का केंद्र बिंदु है। समाजवाद का केंद्र बिंदु क्या है? यहाँ पर व्यक्ति को इतना महत्व न दिया जाकर समाज को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्होंने समाज को कैसे महत्व दिया है, वैसे ये बात यहाँ भी स्पष्ट हो रही है। तो कैसे दिया है, ध्यान दे, समाज को अधिक महत्व, नंबर एक बिंदु बनाइए, क्या? समाज को अधिक महत्व, मतलब व्यक्ति से ज्यादा जीजस रूसो ने समाज को महत्व दिया है। यहाँ पर सारी शक्ति समाज को सुपुर्द की जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप राज्य का प्रादुर्भाव होता है, और जो ये राज्य का प्रादुर्भाव हो रहा है वो सामान्य इच्छा ही है, और सामान्य इच्छा सभी कानूनों का स्रोत है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जा रहा है? समाज को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। तो ये जो समाज को महत्व दिया जा रहा है ये समाजवाद का ही तत्व है। इसका तत्व ये समाजवाद, क्योंकि समाजवाद के अंतर्गत समाज को ही प्रथम स्थान दिया जाता है। अब दूसरी जो बात आ रही है इसमें क्या है कि समानता पर जोर। देखो वास्तविक रूप में समाजवाद के अंतर्गत क्या किया जाता है भाई, आर्थिक दृष्टि से समानता के ऊपर जोर दिया जाता है। जीन-जैक्स रूसो ने भी समानता के ऊपर ही बल दिया है, जैसा कि इन्होंने वास्तविक रूप में अपने विषमता अर्थात असमानता के विश्लेषण के अंतर्गत ये बातें कही है। जीन-जैक्स रूसो का विषमता का जो विश्लेषण है इसके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि जीन-जैक्स रूसो को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तो हम सामान्य रूप में केवल ये देखेंगे कि समाजवाद के तत्व से मौजूद है। तो क्या समानता पर जोर देने, कैसे? कि ये समानता के अभाव में कह रहे हैं कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता नहीं टिक सकती। इनका कहना है कि स्वतंत्रता स्थायी रह नहीं सकती है जब तक कि समानता पर जोर ना दिया जाएगा। अब समानता का मतलब क्या है, यह वास्तविक रूप में जीन-जैक्स रूसो आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं। जीन-जैक्स रूसो नहीं,
सामाजिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहले सर्वप्रथम विचारक दीर्घ रुसे हुए हैं जिन्होंने की विषमता के ऊपर गहराई से विश्लेषण किया था। दीर्घ रुसो से पहले हालांकि विषमता के बारे में काफी दोनों लिख दिया था, लेकिन उन सभी ने विषमता को एक ही प्रकार का बतलाया था, जबकि दीर्घ रुसो ने यहाँ विषमता के दो प्रकार बतलाए, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। अब ये प्राकृतिक और परंपरागत विषमता क्या है, इनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, इसकी चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे। यहाँ तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जीन-जैक्स रूसो ने सबसे पहले विषमता के ऊपर गहराई से विश्लेषण किया था, अर्थात इन्होंने सबसे पहले विषमता के दो प्रकार बतला दिए थे, प्राकृतिक परंपरागत। प्राकृतिक विषमता ऐसी है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कैसे, जैसे आयु है, स्वास्थ्य है, बुद्धि है, बाहुबल है, ये प्रकृति की देन है, तो इनमें समानता स्थापित नहीं की जा सकती है। जबकि परंपरागत विषमता क्या है, जैसे धन है, पद है, इनका बंटवारा किस तरीके से किया जा रहा है। अब यहां जो ये विषमता है इसमें सुधार किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि वास्तविक रूप में ये प्रकृति की देन नहीं है बल्कि सामाजिक व्यवस्था और राजव्यवस्था की देन है। तो जीन-जैक्स रूसो का कहना है कि इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, कानून के माध्यम से इस गैप को दूर किया जा सकता है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जीन-जैक्स रूसो ने कितने प्रकार की विषमताओं को ले किया है, कॉम्पिटिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता प्रकृति की देन है, इसमें समानता स्थापित नहीं की जा सकती है, जबकि परंपरागत विषमता समाज व्यवस्था की देन है और इसके अंतर्गत विषमता को उस हद तक दूर किया जा सकता है। इसको समग्र रूप में हम इसके बाद में अगली जो वीडियो होगी उसमें समझाएंगे। तो ध्यान दें क्या करें, समानता के अभाव में स्वतंत्रता नहीं टिक सकती, मतलब ये समानता के ऊपर बल दे रहे, आर्थिक समानता के ऊपर। इसके बाद में तीसरा बिंदु बनाएंगे क्या, कि आर्थिक विषमता को समाप्त करना चाहते हैं, नोट कीजिएगा। तीसरा क्या है कि आर्थिक विषमता को समाप्त करना चाहते हैं, तो समाजवाद में भी क्या होता है भाई, आर्थिक विषमता को दूर करना चाहते हैं, जीन-जैक्स रूसो भी इसको दूर करना चाह रहे हैं। अगला बिंदु बनाए, चौथा बिंदु क्या बन रहा है, निजी संपत्ति पर प्रबल प्रहार किए हैं इन्होंने। वैसे भी स्पष्ट रूप में कहा है कि जैसे संपत्ति का प्रादुर्भाव है तब से मनुष्य की सुख शांति कापुर होगी, इसलिए इन्होंने निजी संपत्ति के ऊपर विशेष प्रहार किए और समाजवाद के अंतर्गत निजी संपत्ति के ऊपर ही प्रहार किया जाता है, तो यह भी समाजवाद का तत्व मौजूद है इसमें, ठीक है। और अगली बात क्या लिखेंगे भाई, पांचवा, कि विलासिता वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाए। जीन-जैक्स रूसो का कहना है कि जो विलासिता की वस्तुओं के ऊपर भारी कर लगाया जाए, वास्तविक रूप में समाजवाद के अंतर्गत यही होता है, क्या विलासिता की वस्तु के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स कर लगाया जाना चाहिए। इसके बाद जीन-जैक्स रूसो अगली बात क्या करें, समस्त भौतिक संपत्ति का स्वामी राज्य, ये इसका छठा पॉइंट बन गया, क्या समस्त भौतिक संपत्ति का स्वामी राज्य है। तो समाजवाद के अंतर्गत ये बात की जाती है कि समस्त भौतिक संपत्ति का स्वामी कौन है, राज्य या समाज है, ठीक है। तो ये तत्व भी भाई किसका है, समाजवाद का है। जीन-जैक्स रूसो जो ये बातें कही है इसका मतलब ये हो गया कि इनके विचारों में, इनके राज दर्शन में समाजवाद के तत्व मौजूद है। और अंतिम जो बात कह रहे हैं नोट कीजिएगा, आर्थिक विषमता सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं, अर्थात जीन-जैक्स रूसो वास्तविक रूप में आर्थिक विषमता को सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि जीन-जैक्स रूसो ही पहले सामाजिक और राजनीतिक चिंतक हैं जिन्होंने विषमता का गहराई से विश्लेषण किया था, और सबसे पहले इन्होंने ही विषमता के दो प्रकार बताए हैं, क्या क्या, प्राकृतिक विषमता, परंपरागत विषमता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि अरस्तु के द्वारा भी इसके ऊपर काफी कुछ लिखा गया था, परंतु इस तरीके से अरस्तु ने नहीं लिखा था, इसलिए यदि वास्तविक रूप में हमें विषमता को समझना है तो जीन-जैक्स रूसो के विषमता के सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। इसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार इसे समझते रहिएगा। अब अगली बात हम करेंगे, चौथा क्या है कि जीन-जैक्स रूसो के राजदर्शन में लोकतंत्र भी मौजूद है भाई, कैसे, आपके सामने है। यहां समझौता हो रहा है क्या, निजी व्यक्तियों का सामूहिक व्यक्तियों के साथ, व्यक्तित्व के साथ, इसके परिणाम स्वरूप
राज्य का प्रादुर्भाव होता है। ये राज्य ही क्या है? सामान्य इच्छा है। और सामान्य इच्छा मीन्स कानूनों का स्रोत सामान्य इच्छा है। अब ये सामान्य इच्छा आई कहां से है? हमने आपको पहले समझाया था कि जीनियर सुसु कह रहे हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। सभी व्यक्तियों की इच्छाएं क्या क्या? यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा। यथार्थ इच्छा का आधार क्या होता है? स्वार्थ, जो क्षणिक होती है, वर्तमान की सोचती है। जबकि वास्तविक इच्छा का आधार क्या होता है? सामान्य हित। क्या होता है? सामान्य हित, जिसका आधार क्या होता है? भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों कालों की सोचता है। अब यहां वास्तविक रूप में जो सामान्य इच्छा सभी कानूनों का स्रोत भी आई कहां से है? स्वयं जनता की वास्तविक इच्छाओं का एक योग फल है। ये जनता की जो सामान्य हित की इच्छाएं हैं उनका योग फल ही सामान्य इच्छा है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीनियस रूसो के राज दर्शन में लोकतंत्र के तत्व भी मौजूद है। कैसे? वास्तविक रूप में जीनियस रूसो को ही लोकतंत्र का पुजारी कहा जाता है। नोट कीजिएगा, क्या? लोकतंत्र का पुजारी कहा जाता है। नंबर एक बिंदु वाला, चाहे तो आप पॉइंट्स बना सकते हैं, रूसो को लोकतंत्र का पुजारी कहा जाता है। आपके सामने है ये, क्यों? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हम ये कहें कि लोकतंत्र के सामान्य दो प्रकार के होते हैं। क्या? लोकतंत्र सामान्य दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब यहां जीनियस रूसो किसकी बात करते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। कैसे? जैसे स्वयं जीनियस रूसो ने कहा कि जैसे ही एक व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुन देता है, अपना प्रतिनिधि चुन देता है, तो वह व्यक्ति गुलाम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब इनका कहना है कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। जबकि सच्चाई है कि आधुनिक समय में राजनीतिक दलों के माध्यम से इसका प्रतिनिधित्व हो रहा है, लेकिन यहां इनके इन वाक्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीनियस रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। तो चलिए, क्या कह रहे हैं रूसो? कि रूसो को लोकतंत्र का पुजारी माना जाता है। दूसरी बात, दूसरा बिंदु नोट करें, सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित रहती है। ध्यान दें, सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। क्यों है? क्योंकि सामान्य इच्छा कहां से आती है भाई? जनता की वास्तविक इच्छाओं का योग फल ही तो सामान्य इच्छा है भाई। और वास्तविक इच्छाओं का आधार क्या है? सामान्य हित है, सामाजिक हित है। इसलिए सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित रहती है अंतिम रूप में। स्वयं जनता की इच्छाओं का योग फल, कैसी इच्छाओं का योग फल? स्वार्थ इच्छाओं का नहीं, वास्तविक इच्छाओं का योग फल, जिनका आधार सामान्यत्व है। क्या है? सामान्य हित है। तो उनका योगफल, उनका जोड़ ही सामान्य इच्छा है। इसलिए सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। फिर सामान्य इच्छा जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। तीसरा बिंदु बनाइए, सामान्य इच्छा जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। नोट कीजिएगा, सामान्य इच्छा जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। कैसे? जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा भाई? यहां स्वयं जनता ही तो आपस में समझौता कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही तंत्र है कि निजी स्वरूप का सामूहिक स्वरूप के साथ समझौता हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप राज्य का प्रादुर्भाव होता है, यही सामान्य इच्छा कहलाती है। और सामान्य इच्छा क्या है? वास्तविक इच्छाओं का योग फल है। अब ये वास्तविक इच्छाओं का योग फल है, इसका मतलब क्या है? कि सामान्य इच्छा जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। क्लियर? अगली बात क्या है? चौथा बिंदु बनाए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है। जैसे स्वामी जी सुसु कह रहे हैं कि जैसे ही व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुन देता है वह गुलाम हो जाता है, इसका भावार्थ ही होगा कि जीनियस रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। अगली बात क्या है? कि जनता की सहमति और भागीदारी को स्थान दिया इन्होंने। यहाँ पर वास्तविक रूप में जिस राज्य का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिस सामान्य इच्छा का प्रादुर्भाव हो रहा है, इसमें जनता की सहमति और भागीदारी तो है भाई। और लोकतंत्र में क्या होता है? जनता की सहभागिता ही तो होती है। क्या कह रहा हूं मैं? लोकतंत्र में जनता की सहमति और भागीदारी ही होती है। वास्तविक रूप में लोकतंत्र के जो राजव्यवस्था होती है, इस जनता अपना समर्थन ही तो देती है, जिसे की वैधता कहा जाता है, औचित्य पूर्णता कहा जाता है, सहमति कहा जाता है। तो जीनियस रूसो के राजदर्शन में ये बातें मौजूद है। अगली बात क्या है? कि ये स्वतंत्रता और समानता पर बल देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, लोकतंत्र का ये आधार स्तंभ है। क्या है? स्वतंत्रता और समानता। अब ये दोनों को प्रबल देते हैं। कैसे? स्वतंत्रता के बारे में कह रहे हैं कि
कि वास्तविक रूप में व्यक्ति यदि कानूनों का पालन करते हैं तो स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं होंगे। मतलब कानूनों का पालन करने में ही उनकी स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि कानून बनाने वाले ये स्वामी तो हैं। स्वामी कैसे हैं कि सभी प्रकार के कानूनों का स्वरूप सामान्य इच्छा ही तो है भाई, और सामान्य इच्छा ही कहां से? व्यक्ति की वास्तविक इच्छाओं का योगफल है। तो व्यक्ति की वास्तविक इच्छाओं का योगफल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तविक रूप में कानूनों का पालन करने से व्यक्ति स्वतंत्र होगा, और लोकतंत्र का आधार स्तंभ स्वतंत्रता है। इसके बाद दूसरी बात क्या है, इन्होंने समानता को प्रबल दिया है। कैसे दिया समानता को प्रबल? ध्यान दें कि प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च अधिकार और कर्तव्य रखता है। अर्थात जीनजैक रूसो का कहना है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार और कर्तव्य समान रूप में मिले हुए हैं, किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों का निजी स्वरूप सामूहिक स्वरूप के साथ समझौता कर रहा है। नोट कीजिएगा, क्या कर रहा है? इसके साथ में समझौता कर रहा है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ पर व्यक्तियों का निजी स्वरूप सामूहिक स्वरूप को समाज को अपनी शक्तियां समर्पित कर रहा है। इसका भावार्थ ये है कि सभी को समान रूप में अधिकार और कर्तव्य मिले हुए हैं, किसी भी रूप में यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अतः इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि जीनजैक रूसो के राज दर्शन में लोकतंत्र के तत्व भी मौजूद है। अब अंत में हम कहना चाहेंगे कि वास्तविक रूप में जीनजैक रूसो के राज दर्शन में या जीनजैक रूसो की राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत ये चारों ही विचारधाराएं बीज रूप में मौजूद है। क्या क्या? नंबर एक व्यक्तिवाद, जिसका केंद्र बिंदु क्या है? स्वतंत्रता। निरंकुशवाद, जिसका केंद्र बिंदु क्या है? संप्रभुता के ऊपर, शासक के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो। ठीक है। समाजवाद, इसका केंद्र बिंदु क्या है? समानता, समाज। ठीक है, समानता, इसका स्वतंत्रता, इसका समानता। और ये क्या है? लोकतंत्र, इसका केंद्र बिंदु क्या है? स्वतंत्रता और समानता। तो यहां पर स्वतंत्रता और समानता की बातें की गई हैं। तो प्लीज ये हो गया जीनजैक रूसो के राज दर्शन में व्यक्तिवाद, निरंकुशवाद, समाजवाद और लोकतंत्र। इसके बाद में हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करेंगे, वो होगा जीनजैक रूसो का विषमता का विश्लेषण। प्लीज जीनजैक रूसो के विषमता के विश्लेषण को समझना अति आवश्यक है। यदि यह हमने ठीक से समझ लिया तो वर्तमान विश्व के अंतर्गत जो आधुनिक राष्ट्र राज्य हैं, इनमें आर्थिक दृष्टि से जो विषमताएं हैं, या हम ये कहें कि सामाजिक रूप में जो अन्याय हो रहे हैं, उन अन्यायों को जीनजैक रूसो के जो विषमता का विश्लेषण का दूसरा पार्ट है, दो प्रकार के विषमता बतला रहे हैं, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। तो परंपरागत विषमता के आधार पर सामाजिक अन्याय को दूर किया जा सकता है। अतः मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में राज दर्शन के अंतर्गत हम सभी राजनीतिक विचारकों के विचारकों को इस रूप में समझें जिससे कि वर्तमान राजनीति के अंतर्गत, वर्तमान राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो कमियां हैं उनको क्रमशः इनके विचारों के आधार पर दूर करने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा कर पाने में समर्थ हैं तो वास्तविक रूप में हम इन विचारकों के विचारकों को ठीक से समझ रहे हैं, अन्यथा हम यही कहेंगे कि हम इन विचारकों को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। तो प्लीज ये हो गया आपका रूसो के राज दर्शन में चारों तत्व मौजूद हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।